हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 15 को लेकर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ये हमें सॉल्व करने हैं, उनका क्वेश्चन और रिमाइंडर राइट करना है। तो ये डिवीजन है, सबको पता है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन दिया है। यहाँ पे डिवाइडेंट है 1284, वो हम ये बॉक्स के अंदर लिखते हैं और 32 यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये इसको बोलते हैं डिवाइजर। ओके, ये डिवाइडेंट है, वो ये डिवाइजर है। अभी हम क्या करते हैं, 32 में 2 डिजिट है तो यहाँ पे डिवाइडेंट में भी पहले 2 डिजिट है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 12 डिजिट को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 32 के टेबल में 12 है क्या चेक करेंगे तो रहेगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि 32 के टेबल में 32 से बड़े ही नंबर रहेंगे, छोटे वाले नहीं रहेंगे। तो ऐसे टाइम हम पहले 0 से डिवाइड करेंगे, 32 जीरो जा 0 आता है, सो 12 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 12 एज इट इज आएगा। अभी हम नेक्स्ट डिजिट ले लिया ऊपर का, यहाँ पे 128 फॉर्म हो गया। अभी हम चेक करेंगे 32 के टेबल में 128 है क्या। तो यहाँ पे देखो, आपका 32 का टेबल लर्न नहीं है तो टेबल बनाना बहुत ईजी है। आप कैसे करोगे, 32 वन जा 32 आता ही आपको पता है, 32 टू जा करना है तो देखो 32 वन जा 32 आता है। ओके, 32 टू जा करना है तो इसी 32 में आप 32 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये है 32 जा। अभी 33 जा 32 थ्री जा निकालना है, सो इसी 64 में आप 32 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये है 32 थ्री जा। ओके, आया समझ में। ऐसे हमें 10 तक ऐड करते जाना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। आया समझ में। ओके, तो मैंने ऐसे ही टेबल बना लिया है ये वाला। तो अभी हम चेक करते हैं 32 के टेबल में 128 है क्या। सो यहाँ पे 32 के टेबल में 128 है, वो 4 नंबर पे है, 32 फोर जा, तो इसलिए मैंने फोर जा लिखा। 128 में से 128 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 0 आंसर आ गया। अभी हम ऊपर का जो 4 डिजिट बचा है उसको नीचे ले लेते हैं। अभी 32 के टेबल में 4 है क्या, नहीं, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। 32 जीरो जा 0, तो यहाँ पे 4 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 4 ही रह गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, 40, एंड रिमाइंडर आ गया 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू 40 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। ओके, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है 5586 डिवाइडेड बाय 87। तो यहाँ पे हमने 87 का टेबल फॉर्म कर लिया है, यहाँ पे राइट कर लिया है। तो यहाँ पे हम ये 87 डिवाइजर है उसको यहाँ पे राइट करेंगे, डिवाइडेंट 5586 है उसको यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है। अभी हम यहाँ पे 87 में 2 डिजिट है तो इस डिवाइडेंट के भी 2 ही डिजिट ऑब्जर्व करेंगे। 87 के टेबल में 55 रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि 87 ये बड़ा है, 55 ये छोटा है, बड़े टेबल में छोटा नंबर नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम पहले 0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 87 जीरो जा 0 आता है तो आंसर क्या रहेगा, 55 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 55 ही रहेगा। अभी हम ऊपर से एक डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 लिया। अभी हम 87 के टेबल में 558 है क्या ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 87 का टेबल है, मुझे बताओ 558 है क्या इस टेबल में, नहीं है, तो उससे छोटा वाला नंबर है। तो यहाँ पे 87 सिक्स जा 522 है तो यहाँ पे हम सिक्स जा लेंगे, यहाँ पे 522 लेंगे। ओके, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 6 रह गए, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 3 रह गए, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया 0। अभी यहाँ पे 36 है, 87 के टेबल में 36 रहेगा क्या, नहीं, तो हम ऊपर से 6 ले लेते हैं तो यहाँ पे 366 आ गया। अभी ये 87 के टेबल में 366 आता है क्या चेक करो, 366 नहीं है पर उससे छोटा वाला नंबर है, 87 फोर जा 348 फोर जा 348। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की तो क्या आ जाएगा, 6 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 5 रह जाएंगे, यहाँ 1 एंड 6 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 8 आंसर आ गया, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 1, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 18 आ गया। तो यही हमारा रिमाइंडर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 18 आ गया और क्वेश्चन
इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन है हमारा 64। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है हमारा 1207 डिवाइडेड बाय 27, डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है, तो यहाँ पे डिवाइजर को हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेंट को यहाँ लिखेंगे 1207। ओके, ये यहाँ पे जो लिखते हैं उसको डिवाइडेंट बोलते हैं, ये डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे हमने 27 का टेबल आपको तो लर्न ही होगा, लर्न नहीं है तो आप तैयार करके यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे 27 के टेबल में पहले हम 2 डिजिट ऑब्जर्व करेंगे डिवाइडेंट के, तो यहाँ पे 12 तैयार होता है। 27 के टेबल में 12 रहेगा क्या? नहीं, ये छोटा नंबर है 27 के कंपेयर में, तो 27 के टेबल में 27 के अबव ही नंबर रहेंगे, बिलो वाले नंबर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 0 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 जीरो जा जीरो आता है, तो 12 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो 12 आ जाएगा। अभी हम ऊपर से 0 ले सकते हैं, ये 0 हमने नीचे ले लिया, अभी यहाँ पे 120 ये नंबर तैयार हो गया। अभी हम 27 के नंबर में 120 ये नंबर है क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे 120 नहीं है, पर उससे वाला छोटा वाला नंबर 27 फोर जा 108 है, वो ले सकते हैं। सो 27 फोर जा 108 ये नंबर लिया हमने। ओके, अभी देखो 0 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से कैरी लेंगे हम, क्या 1 कैरी ले लिया और ये 0 10 हो गए, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 2 रह गए, तो यहाँ पे 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, तो यहाँ पे 12 आंसर आ गया। अभी हम ऊपर से ये 7 ये नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 27 के टेबल में 12 नहीं है, तो ये हमने ऊपर से 7 ले लिया। अभी 127 है क्या 27 के टेबल में, 127, तो 127 नहीं है, 127 से छोटा वाला जो नंबर है 108, वो फोरजा है, तो यहाँ पे हम फोरजा ले सकते हैं। सो फोरजा आता है 108, तो यहाँ पे 7 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 9 रह गए, 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, तो यहाँ पे 19 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 44, रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर है हमारा 19। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है 8543, ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है, यहाँ पे हम डिवीजन राइट कर लेते हैं डिवीजन फॉर्म में, 8543 ये डिवाइडेंट है और इसमें 41 ये डिवाइजर है, उसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये 41 में 2 डिजिट है, तो इस डिवाइडेंट के भी हम पहले 2 ही डिजिट ऑब्जर्व करेंगे, 41 के टेबल में 85 है क्या? तो 41 के टेबल में 85 आ सकता है, क्योंकि ये 85 41 से बड़ा है, इसीलिए तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लिया है, तो यहाँ पे 41 के टेबल में 45 नहीं है पर 42 है, उस छोटा वाला नंबर, सो 41 2 जा 82, सो यहाँ पे 82 लिया, 41 2 जा 82, तो 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे 3 रह गए, 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे 0 आ गया। अभी हम ये डिजिट ऊपर से ले सकते हैं, यहाँ पे 34 हो गए, अभी 41 के टेबल में 34 है क्या? नहीं, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, 41 0 जा 0, तो यहाँ पे 34 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, 34 आ गया। अभी हम ये नेक्स्ट डिजिट ऊपर से ले सकते हैं, यहाँ पे 343 हो गए, अभी चेक करो 343 41 के टेबल में है क्या? सो 343 है क्या? देखो 328 है, ये 343 के कंपेयर में छोटा नंबर है, उसको ले सकते हैं। सो 41 8 जा, यहाँ पे 328 ये नंबर ले लिया हमने। सो यहाँ पे देखो 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे, यहाँ 1 कैरी लिया हुआ 1 और ये 3 13 हो गए, 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 5 रह गए, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया 1, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, तो यहाँ पे 15 ही आंसर गया आ गया। ये हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि 41 के टेबल में 15 नहीं है, अभी हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सो ये 15 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन इज इक्वल टू 208 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 5 है 2304, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, तो डिवाइडेंट को हम यहाँ पे अंदर के साइड में राइट कर लेते हैं और डिवाइजर को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो ये टेबल मैंने फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 43 के टेबल में 23 है क्या, तो रहेगा क्या, नहीं। तो पहले हम 0 से डिवाइड करेंगे, 43 जीरो जा जीरो, तो यहाँ पे 23 में से 0 सब्स्ट्रैक्ट किया तो 23 ही रहेगा। अभी हम ऊपर से ये 0 ले सकते हैं, यहाँ 0 लिया तो 230 ये नंबर फॉर्म हो गया। अभी 230 ये नंबर है क्या इस टेबल में, चेक कर लेते हैं। सो 230 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर है 215। तो यहाँ पे 43 फाइजा 215, ओके। तो यहाँ पे इनकी सब्सट्रैक्शन की, 0 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी 1 लिया और ये 0, 10 हो गए, 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 5 रह गए, 3 यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 15 आंसर आ गया। अभी हम ये 4 जो डिजिट है वो हम नीचे ले लेते हैं, उसको नीचे लेने के बाद 154 ये नंबर फॉर्म हो गया। अभी 43 के टेबल में 154 ये नंबर है क्या, देखो तो 154 नहीं है, पर उससे छोटा वाला नंबर है 129, ओके। तो 43 थ्री जा 129, 129। अभी 4 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 4 रह जाएंगे, यहाँ कैरी वाला 1 और ये 4 14 हो गए, 14 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 5 रह गए, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे 2 रह गए, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 25 आंसर आ गया। ये 25 ये 43 के टेबल में आएगा क्या, नहीं। तो इसके बाद डिजिट लेने के लिए भी डिजिट नहीं है, तो यही हमारा रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन क्या आ गया इसमें, 53, और रिमाइंडर आ गया 25। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू 53 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 25, ओके। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें डिवाइडेंट है 56,741 डिवाइडेड बाय 26। इस क्वेश्चन को हम अंदर 56,741 और ये डिवाइडेंट डिवाइजर को 26 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अभी हम 26 में 2 डिजिट है तो डिवाइडेंट के भी 2 ही डिजिट ऑब्जर्व करेंगे। 56 ये बड़ा है तो 26 टेबल में 56 आ सकता है। सो देखो यहाँ पे 56 आ रहा है क्या, 56 नहीं है पर उससे छोटा वाला नंबर है यहाँ पे, 26 टू जा 52, तो यहाँ पे 52 लिया हमने, 26 टू जा लिया, तो यहाँ पे 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 4 रह गए, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 0। अभी हम ऊपर से एक डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पे 47 हो गए, 26 टेबल में 47 है क्या, नहीं। तो उससे छोटा वाला नंबर है 26, 1 जा 26, तो यहाँ पे 26 लिया, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 1 रह गया, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। अभी हम ऊपर से नेक्स्ट डिजिट लेंगे 4, ओके। तो यहाँ पे 4 लिया तो 214 ये नंबर फॉर्म हो गया। अभी 214 ये है क्या 26 के टेबल में, तो नहीं। तो 26 के टेबल में 26 एट जा 208 ये नंबर आ रहा है, इसके कंपेयर में छोटा है तो हम ये ले सकते हैं 208। तो यहाँ पे 26 एट जा 208 ये नंबर ले लिया हमने। अभी सब्सट्रैक्शन, 4 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ पे 6 रह गए, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0, तो यहाँ पे 6 ही आंसर आ गया। अभी देखो नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 1, वो ले लेते हैं, 1 को हमने नीचे ले लिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे 61 हो गया। अभी 26 के टेबल में 61 तो नहीं है, बस उससे छोटा वाला नंबर है 52, तो 26 टू जा हम 52 लेंगे यहाँ पे, ओके। अभी 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ से कैरी लिया 1 और ये 1 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 9 रह गए, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे 0, तो ये 9 हमारा रिमाइंडर आ गया है, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, 2182,
ओके, और रिमाइंडर है नाइन। ओके, तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।